हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल शोम्स डेलिकेसी। बना लेंगे एक बहुत ही बेसिक और बढ़िया सा रेसिपी जिसका नाम है चिकन स्पिनच अल्फ्रेडो। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पिनच भी है और चिकन भी। स्पिनच यानी कि पालक। इंग्रेडिएंट्स का सारा लिस्ट मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, बहुत ही आसानी से जाके चेक कर सकते हैं। हम फटाफट से बढ़ेंगे रेसिपी की ओर। मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है पालक के पत्ते करीब 2 कप, बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन 1 चम्मच, बारीक कटा हुआ गाजर 2 चम्मच, इस तरह से बोनलेस चिकन पीसेस। दुकान में आप बोलेंगे तो आपको इस तरह का पीस काट के दे देगा। पास्ता मैंने लिया है उबला हुआ करीब 2 कप, 2 चम्मच फ्रेश क्रीम और 1 कप मोज़रेला चीज़। अब मैं फटाफट से कर लूँगा अपना पैन को गरम। उसमें ऐड करेंगे बटर करीब 1 चम्मच और बिल्कुल अच्छे से एक बार चला लेंगे। बटर पिघल चुका है, अब मैं इसमें एक एक करके ऐड कर दूंगा हमारा चिकन का बोनलेस पीस जिसे मैंने इस तरह से लंबे में काट लिया है। बढ़िया से इसे हम फ्राई करेंगे टोटल 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम में। दोनों साइड्स को बिल्कुल अच्छा से हम इसे फ्राई कर लेंगे। उसके बाद में इसमें ऐड करूंगा बारीक कटा हुआ गाजर। गाजर ऐड करने के बाद भी 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल अच्छा से इसे हम चला लेंगे, जब तक इसका जो थोड़ा सा पानी निकला हुआ है वो जब तक थोड़ा सा कम ना हो जाए। ब्लैक पेपर ऐड करूंगा करीब 1 चम्मच यानी कि काली मिर्च। अब देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा पालक। पालक अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी का है, लेकिन पकने के बाद ये बिल्कुल थोड़ा हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। बिल्कुल अच्छे से एक बार घुमा लेंगे। लहसुन मैंने ऐड किया यहाँ पे। एक बार अच्छे से चलाने के बाद इसे हम कवर कर देंगे और कुक करेंगे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में। 3 से 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं क्वांटिटी में कितना कम गया है और बिल्कुल परफेक्टली ये पक भी गया है। एक बार अच्छे से चला लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे अपना पास्ता। पास्ता मैंने ऐड कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से एक बार चला लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में फ्राई करने के बाद फ्लेम कम आएंगे, नमक ऐड करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। गाइस यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम ऐड कर दिया है। अल्फ्रेडो का मतलब होता है क्रीम और चीज़ से बना हुआ एक सॉस। यहाँ पे चीज़ का यूज़ होता है पामेजान, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में पामेजान चीज़ मिलना थोड़ा सा मुश्किल और बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है सिंपल सा मोज़रेला चीज़ करीब 1 कप। चीज़ का क्वान्टिटी आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको ये ज़्यादा चीज़ी ज़्यादा क्रीमी बनाना है तो। मोज़रेला चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। बिल्कुल अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट बाद। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जल्दी पिघलता है। अच्छे से मिक्स करना है इवनली ताकि चीज़ बिल्कुल बढ़िया सा कोट हो जाए हमारे पास्ता के साथ। लास्टली मैं इसमें ऐड करूँगा गार्निश करने के लिए धनिया यानी कि कोरिएंडर करीब 1 से 2 चम्मच, फिर ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं हर हफ्ते ऑसम फूड वीडियोज़ के लिए। आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल भी चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं मिलता हूँ आपके साथ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन आई एम योर होस्ट एंड कुक एंड द शो। गुड बाय फूडीज़।